नमस्कार। अब हम करते हैं प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1, द्विपदों का गुणा करो। हमें द्विपद दिए हैं, उनको हमने गुणा करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो गुणा करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 2x+5 और 4x-3 को दोनों का आपस में गुणा करना है, तो और की जगह हम क्या लगा लेंगे, गुणा। तो 2x+5 और की जगह गुणा है और 4x-3। अब देखो लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे, केवल 2x, और उसके गुणा में ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे 4x-3। देखो 2x को 4x-3 पूरे से हमने गुणा के रूप में लिख लिया, मतलब गुणा हम कर लेंगे। उसी प्रकार 5/2 में इस 5 को लिखेंगे, प्लस का 5 है और गुणा किससे करेंगे, उसी 4x-3 से। 2x को इस पूरे ब्रैकेट से कर लिया, अब 5x को भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। लिख लिया, देखो 2x को हमें बताए कि कैसे गुणा करते, पहले हमने किए थे 2x को 4x से गुणा करेंगे, तो देखो 2 चौका कितना होगा 8, x एक्स की स्क्वायर। 2 को अब किससे करेंगे, 3 से कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, और x है तो यहाँ पे आएगा x प्लस। उसी प्रकार 5 को 4 से करेंगे तो 5 चौका 20x, और 5 को फिर से करेंगे 3 से करेंगे, माइनस का कितना आएगा 15। अब हम इसको लिख लेते हैं कि 8x2। देखो ये दोनों समान पद हैं, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, तो 20 में से माइनस का 6 घट जाएगा, तो प्लस के कितने बचेंगे, 14x और माइनस का 15, आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसका बी पार्ट करते हैं, देखो उसी प्रकार y-8 गुणा में क्या आ जाएगा, 3y-4। अब हम इसको लिखते हैं y के गुणा में, देखो क्या लिखेंगे, पूरा 3y-4, फिर -8 है तो -8 आएगा, इसके गुणा में भी क्या लिखेंगे, 3y-4। y के गुणा में ये पूरा ब्रैकेट और ये -8 के गुणा में ये पूरा ब्रैकेट हम लिख लिया। तो यदि हम लिख के करेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए करना। अब देखो गुणा करते हैं, y को 3y से गुणा करेंगे तो 3y की स्क्वायर होगी, y को फिर 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा। उसी प्रकार 8 को 3y से करेंगे तो देखो माइनस का है तो माइनस में आएगा 24y, और उसी प्रकार 8 को फिर 4 से करेंगे तो 8 चौथा 32 आएगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस का 32 आएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें समान पद, ये दोनों देखो समान पद हैं, ये भी y का पद, ये भी y का पद, तो 3y², ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 28y और प्लस के 32, आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार हम तीसरा सी पार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे हमें दिया है इनको गुणा करना, पॉइंट वाली संख्या है, तो 2.5L-0.5M गुणा में लिख लिया 2.5L+0.5M। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, 2.5 को पहले लिखा और इसको गुणा देखो किससे करेंगे, इस पूरी व्यंजन से, 2.5L+0.5M। अब देखो इसको लिख लिया, बचा माइनस का 0.5m है और इसको गुणा करेंगे हम पूरे इस ब्रैकेट से 2.5L+0.5m से। गुणा करते हैं 2.5 को, देखो 2.5 से गुणा करेंगे, उसी प्रकार जैसे 2.5 को 2.5 से करेंगे, 25 का हमें पता है कि 625 होता है, 25 को 25 से गुणा करेंगे, 625 पॉइंट है तो यहाँ पे दो अंक छोड़ के पॉइंट, इसका आएगा 6.25L² एल है तो L² प्लस 2.5 को देखो 5 से किया, 25 5 125, तो 8.25L आ जाएगा। माइनस का 0.5 को इसी प्रकार 2.5 से किया, 8.25L आएगा, ये M है ये L है तो L M लिख लिया हमने। देखो प्लस माइनस माइनस
0.5 से करेंगे तो 0.25 m² क्योंकि 5 × 25 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अब देखो ये प्लस की संख्या ये माइनस की दोनों समान पद है तो दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 6.25 l² और माइनस का 0.25 m² आपका आंसर आएगा।